आचार्य वर्ण के साथ ही मानो यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हो जाता है। इस अश्वमेध यज्ञ के आचार्य यथार्थतः कौन हैं, किनकी शक्ति से ये सारा कुछ संपन्न हो रहा है, असंभव को संभव कैसे किया जा रहा है, यह किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये कोई असामान्य शक्ति है जो यह करने में समर्थ है। वह शक्ति कौन है, ये हो क्या रहा है, अश्वमेध क्या चीज है? अश्वमेध का नाम इतिहास में सुनते आए होंगे, लेकिन यथार्थ में अश्वमेध है क्या, वर्तमान काल में इसका औचित्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए यह संपन्न किया जा रहा है, इन सब बातों को जानने के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय डॉक्टर साहब से। सभी को जिज्ञासा है इस बात की कि यह कैसे संभव हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ भी जाएं। यज्ञशाला में जो खड़े हैं वो खड़े ना रहें, बैठ जाएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस संदर्भ में वे हम सबको अवगत कराएं, विशेष उद्बोधन दें। हमारे लुधियाना अश्वमेध यज्ञ में पधारे हुए सभी भावुक श्रद्धालु भक्तजन, सभी दूर दूर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, लुधियाना नगर के सभी गणमान्य नागरिकों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, पश्चिमोत्तर भारत का, पंजाब का सीमांत क्षेत्र का यह एक पहला अश्वमेध यज्ञ होने जा रहा है। यह 33वां अश्वमेध यज्ञ है जो शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में हुए हैं। 33वां आज से आरंभ हो रहा है। इनमें से 7 अश्वमेध यज्ञ भारत से बाहर विदेश में हो चुके हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। ये जो अश्वमेध का क्रम है, इसके पीछे दर्शन क्या है, इसके पीछे चिंतन क्या है, और हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों इसका प्रावधान किया, इन लोगों के मन में अक्सर एक बात आती है। सामान्य मान्यता यह है कि अश्वमेध का मतलब होता है कि किसी भी राजा को अपने राज्य को बढ़ाने के लिए एक अश्व छोड़ने की इच्छा होने लगती है और उसके माध्यम से वो दिग्विजय करता है, अपने राष्ट्र की सीमा को बढ़ाने का प्रयास करता है, और राष्ट्र की सीमा को जो भी चुनौती देता है उस घोड़े को, अश्व को, उस राष्ट्र की सीमा को बढ़ाने के लिए वहाँ युद्ध होता है और युद्ध होने के पश्चात अंत में उस घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसा मन में एक लोगों की भ्रांतियां हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारे संस्कृति के जो जानकार लोग हैं, मर्मज्ञ हैं, ये ऋषि हैं, और ऋषियों ने ही इस अश्वमेध परंपरा को जन्म दिया। हमारी भारतीय संस्कृति का अध्यात्म का मूल है वेद, आप सब जानते हैं। वेदों का मूल है गायत्री, गायत्री से ही वेदों की उत्पत्ति हुई, और वेद के माध्यम से ही आप देखेंगे सारे विश्व में ज्ञान का संचार हुआ, और वेद में जो वाणी है भगवान की वाणी है, अपौरुषेय वाणी है। इसे ये नहीं कहा जाता किसी पुरुष ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान की वाणी मानकर हम उसको मानते हैं। वेदों के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, और उसके पश्चात उपनिषदों का सार गीता, महाभारत का जो अंग है, और उसके पश्चात रामायण, रामचरितमानस, इन सबको महत्व दिया जाता है। हम जिस कलिकाल में रह रहे हैं, इसमें चारों ओर समस्याओं की चीख पुकार से सारा मनुष्य समाज आक्रांत, बड़ा दुखी है। हर व्यक्ति ये जानता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में बटोर लेना है। आसुरी संपदा वाले लोग समाज में बहुत ज़्यादा हैं, जिनके पास भगवान की दी हुई देवी संपदा है, पर देवी संपदा ढकी हुई है आसुरी ज्ञान से, और उस आसुरी ज्ञान की वजह से सारे समाज में एक चीख पुकार सी मची हुई है, तनाव बढ़ा हुआ है, लोग परेशान हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे ऋषियों ने एक विधा का प्रावधान किया, यज्ञ, और यज्ञ के माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को उनका भोजन दें,
देवता आहुति स्वीकार करते हैं यज्ञ के माध्यम से, और देवता आहुति स्वीकार करके अपने आप को पुष्ट बनाते हैं। देवता पुष्ट रहते हैं तो राष्ट्र में महामारी नहीं आती, अकाल नहीं होता, दुर्भिक्ष नहीं आते। आज आप देखिए चारों तरफ तनाव ही तनाव है। जिस नगरी में हम बैठे हैं, लुधियाना नगरी में, यहाँ समृद्धि चरम सीमा पर है, बहुत पैसा है, पिछले दिनों कमाया भी बहुत है लोगों ने, बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रमी लोग हैं पंजाब के। पांच नदियों वाला ये पावन क्षेत्र जो कि किसानों की भूमि है और जवानों की भूमि है, वीर शहीद भगत सिंह की भूमि है और हमारे उन सभी जवानों की भूमि है जिन लोगों ने अपने राष्ट्र के लिए खून बहाया, ये भूमि गुरु गोविंद सिंह जी की है, दसों गुरुओं की है, गुरु साहिबों की है, जिन्होंने गुरु साहिबों ने राष्ट्र के लिए अपने आप को होम कर दिया। जब मैं इनका जीवन चरित्र पढ़ता हूँ भाइयों बहनों, तो ऐसा लगता है कि हमारे गुरु साहिबान न होते तो शायद ही हमारी पश्चिमी सीमा पूरी तरह से, यहाँ पूरा क्षेत्र मुसलमान हो गया होता, पूरा क्षेत्र यवन हो गया होता। इन्होंने लड़ाई लड़ी और मोर्चा लिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, अपने बेटे अपने सामने उन्होंने देखा युद्ध में शहीद हो गए, दो बेटे गुरु गोविंद सिंह जी के, दो बेटे यहीं जो पूरब में फतेहगढ़ साहब है वहाँ पर दीवार में चिन दिए गए। कितना ज़्यादा अत्याचार कि 9 साल और 11 साल की उम्र के दो बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, और उन साहेबजादों को चिनवाने के पश्चात भी उनकी आत्मा में कहीं कोई ये नहीं आया, करुण चित्कार नहीं आई कि ऐसा जो हमने दुष्कर्म किया है उसके लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए। गुरु साहब के पीछे पड़े रहे और गुरु साहब ने फिर उसके पश्चात नांदेड़ में जाके अपना शरीर छोड़ा, और वहाँ शरीर छोड़ने के पश्चात उन्होंने एक पंथ की घोषणा कर दी, जो खालसा पंथ जो इसके बाद चलेगा। और खालसा पंथ आप देखिए कितना विस्तार है, सारे देश में विस्तार है, विश्व विदेश में विस्तार है, जगह जहाँ आप देखें एक ही नाम सदगुरु का नाम, वाहे नाम सदगुरु, वाहे नाम सदगुरु, बस ये कलिकाल में उन्होंने एक पुकार की कि ये सबको बोलना चाहिए। मित्रों ऐसे सदगुरु जहाँ आते हैं, ऐसे गुरुजन जहाँ आते हैं, वहाँ की भूमि अपने आप पूजनीय हो जाती है, और उस पूजनीय भूमि में हम लोग आए हैं यज्ञ करने के लिए, तो उन ऋषियों की संस्कृति का जो राष्ट्र को एक करने का, संगठित करने का प्रयास है अश्वमेध, उसके बारे में बताने का मन है। अश्वमेध का मतलब होता है राष्ट्र को संगठित करने का एक अभूतपूर्व प्रयास, एक महत्वपूर्ण प्रयास। हमारा राष्ट्र संगठित हो, हम सब मिलजुल करके एक साथ चलें, और इतना ज़्यादा हमारे देश में सभी जातियाँ हैं, सभी मत हैं, सभी पंथ हैं, सभी संप्रदाय हैं, सभी प्रकार के धर्म हैं, पर किसी प्रकार की हमारे यहाँ अलग अलग नहीं माना जाता, सब अपनी तरफ से उपासना करें, परंतु हमारे राष्ट्र के ऊपर आक्रमणकारी, आक्रांता, तनाव पैदा करने वाले टेररिस्ट इतनी तेजी से आक्रमण करते हैं मित्रों, कब कहाँ आ जाएं, किधर आ जाएं, कुछ मालूम नहीं, और उनकी निगाहें लगी हुई हैं कि किसी भी तरह से इस राष्ट्र की एकता को तोड़ फोड़ कर दें, किसी तरह से इसको तोड़ दें। ऐसी परिस्थिति में अश्वमेध जरूरी हो जाता है। अश्वमेधों के माध्यम से आप एक प्रकार से इस राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करते हैं। राष्ट्रम वही अश्व, राष्ट्र को ही अश्व कहा गया है, और यह कहा गया है कि अश्वमेध करने से राष्ट्र का ब्रह्म वर्चस्व बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, वाइटिलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, और शौर्य बढ़ता है। वीर्यम वही अश्व, वीर यानी विगर, वाइटिलिटी, जहां वीर बढ़ता हो, जहां लोगों में प्रबल अंदर से इच्छा शक्ति जागती हो, वहां युद्ध करने की बारी आएगी तो युद्ध करेंगे, और जहां शांति से साथ रहने की बात आई कि वह शांति से शांति रखेंगे। जितनी आसुरी सत्ताएं हैं जिनको गुरु साहिबान ने मारा, उनको हम भी मारेंगे, हम भी ठीक करेंगे उनको। कैसे करेंगे? उनकी बुद्धि को ठीक करेंगे, उनके चिंतन को ठीक करेंगे गायत्री के माध्यम से। गायत्री एक ब्रह्मास्त्र है, गायत्री अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का रसायन है, एक प्रकार से व्यक्ति को बदलने की प्रक्रिया है। आदमी के चिंतन में गायत्री चली जाए तो इसका मतलब ये कि गायत्री के इंजेक्शन से वो व्यक्ति शुद्ध सोचने लगता है, सही सोचने लगता है। सही सोच होगी, सही काम करेगा, चिंतन में तनाव नहीं होगा, बीमारियां नहीं होंगी जो आज तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। अश्वमेध एक राष्ट्रीय उपासना पद्धति के रूप में कहा गया है हमारे देश में। हमारे देश के बारे में कहा जाता है वंडर दैट वॉज इंडिया। ए एल बैशम नाम के एक ब्रिटिश ऑथर ने किताब लिखी है वंडर दैट वॉज इंडिया, और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि अश्वमेध को एक राष्ट्रीय उपासना पद्धति के रूप में यहाँ पूजा की जाती थी। अश्वमेध निरंतर होते रहते थे हमारे संस्कृति में, परंपराओं में कई अश्वमेधों की परंपरा है। दिवोदास ने सतयुग में किया था अश्वमेध, अम्बरीश ने किया था जो बहुत बड़े
भक्त माने जाते हैं, नाभाग्नि के बेटे थे, प्रथु ने किया था, भगवान राम के जो पूर्वज थे में रघु ने किया था। मित्रों, इन सब ने, इन सब राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ करके एक परंपरा को डाला कि हमारा राष्ट्र एक रहे, अखंड रहे। और इस एक और अखंड राष्ट्र को बनाने के लिए हमें अश्व के माध्यम से चंचल गति से चलायमान आसुरी वृत्तियों को, मेध यानी बलि, उनकी बलि देना चाहिए। जो आसुरी वृत्तियां समाज में फैल गई हैं, मुझे ज्यादा चाहिए, मेरी तृष्णा बढ़ गई है, मेरी ज्यादा पाने की चाह है, इसी वजह से आदमी दूसरों के काम में रोड़े अटकाता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, और उसके बाद उनसे ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करता है। ग्रीड, आदमी का ग्रीड बढ़ गया है, आदमी की तृष्णा बढ़ गई, आदमी का अहंकार बढ़ गया है, मैं, मेरा सब कुछ, मैं ही सब कुछ, यह आसुरी वृत्ति है। भगवान कृष्ण गीता के देवासुर संपद विभाग में बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा है, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही धनी कुटुंब वाला हूं, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, पर इसके माध्यम से अपनी ऐश्वर्य को, संपत्ति को बढ़ाऊंगा, और परंतु अपने अहंकार को पूरा करने के लिए, इसको आसुरी संपदा कहा है। आप लोग यज्ञ करने बैठे हैं तो यज्ञ को यह मान के चलने कि यज्ञ एक परमार्थ के लिए किया गया सत्कर्म है, और ये यज्ञ आप भगवान सूर्य को, सूर्य की किरणों का दोहन करने के लिए कर रहे हैं। सूर्य की किरणों को जो मधु विद्या कहा गया है, जिसके माध्यम से सूर्य की किरणों को हम अपने अंदर खींचें, अपनी शक्ति को मजबूत करें, और आगे आने वाली कोई ऐसी बीमारी हो, किसी प्रकार के रोग हो, किसी प्रकार के आसन्न महामारियां हो, उनसे बचें। डेंगू नाम का एक फीवर है, चिकनगुनिया नाम का फीवर है, दो तरह के फीवर आए हुए हैं भारत में, सबको जकड़ रखा है, किसी को नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री के घर में भी घुस गए, हमारे प्रधानमंत्री के घर में एक डेंगू का अटैक हो गया, किसी को नहीं छोड़ता, न राजा को, न रंग को, न स्लम में रहने वाले को, न घरों में रहने वाले को, और न महलों में रहने वाले को, किसी को नहीं छोड़ता। ये जो आज की परिस्थितियां हैं, उसमें पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में सोचना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण जो है वो बीमारियों का कारण है। हम लोगों का जब तक प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, एक विधान है, विशेष प्रकार की आहुतियां देते हैं, और विशेष प्रकार की आहुतियों के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं देवताओं से। यज्ञम उ देवानाम अन्नः, यज्ञ देवताओं का अन्न है, यज्ञ देवताओं की आहुति है, उनका भोजन है। जैसे आप भोजन करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, दिन में खाना खाते हैं, शाम को डिनर लेते हैं, बेचारे यज्ञ देवताओं के पास कुछ नहीं है। देवताओं के पास और भगवान के पास परमात्मा यज्ञ का भोक्ता है। परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं यज्ञ का भोक्ता हूं, और यज्ञ के सारे पुण्य का फल मुझे जाता है। आप भगवान को दे रहे हैं सारा पुण्य का फल, आपको उसके बदले में अनुदान मिलेंगे, आपको उसके बदले में कई वरदान मिलेंगे परमात्मा से, देवताओं से मिलेंगे, देवताओं से मिलेंगे, प्रकृति संतुलित रहेगी। इंद्र यदि प्रसन्न रहेंगे तो इंद्र यानी आपके मन, मन के देवता, आपका मन प्रसन्न रहेगा, मन शांत रहेगा तो कभी तनाव नहीं होगा, कभी बीमारियां नहीं होंगी। वरुण देवता प्रसन्न रहेंगे तो आपके शरीर का जल अनुपात ठीक रहेगा, आपको कभी बीमारियां नहीं होंगी, और सारे देश में कहीं बाढ़ नहीं आएंगी, कहीं अकाल नहीं होगा। ये सारी की सारी चीजें मित्रों इसलिए है कि राष्ट्र विप्लव बढ़ता चला जा रहा है, दैवी विभीषिकाएं आती चली जा रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, आने वाले 5 वर्षों में इनके आने की संभावना और ज्यादा है। ऐसे में क्या करें, ऐसे में हमारा काम यह है कि ऋषियों की बताई हुई बातों पर चलें और अपने शौर्य को जागृत करें। शौर्य की भूमि है ये क्षेत्र, मरजीवड़ों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है ये क्षेत्र, और इस भूमि में समृद्धि बहुत है। भूमि में जहां डालो वहां अन्न निकल आता है, और अन्न जो है सारे पंजाब पूरे देश को फीड करता है, पूरे देश का भोजन भरता है, पेट भरता है। लुधियाना अपने आप में समृद्ध है, सारे देश को तरह तरह की चीजें सप्लाई करने का तंत्र यहाँ पर है, ढेर सारी फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ है, पैसा बहुत है, ढेर सारे लोग आते हैं पैसा लेके चले जाते हैं। गायत्री परिवार सब में अलग है। गायत्री परिवार की स्थापना परम पूज्य गुरुदेव ने एक देवी अभियान के अंतर्गत की है, युग निर्माण के लिए, युग के नव निर्माण के लिए। इस संसार का अकेले का नहीं, आप अपने घर को बनाते हैं तो कितना पसीना आ जाता है आपको, जब घर का निर्माण इतना पसीने का काम है तो युग का नव निर्माण कितना दिक्कत होगा। पर गुरुदेव ने इस काम को आरंभ किया, 1911 में जन्म लिया, 1926 में उन्होंने इस काम को आरंभ किया अखंड दीपक प्रज्वलन के, और परम पूज्य गुरुदेव 1990 तक सतत कार्य करते रहे, आखिरी सांस तक उन्होंने कार्य किया, युग परिवर्तन का कार्य, जमाने को बदलने का कार्य। गायत्री के माध्यम से आदमी की बुद्धि को, यज्ञ के माध्यम से आदमी के कर्मों को, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। गीता कहती है कि यज्ञ के अलावा किए गए अन्य सारे कर्म बंधन का कारण बनते हैं,
तो यज्ञ के निमित्त कर्म करो, सारे कर्म यज्ञ के निमित्त करो। इसलिए पहले यज्ञ करो, और यज्ञ के द्वारा दान देना सीखो, यज्ञ के द्वारा देव पूजन सीखो, देव पूजन यानी अपने आप की व्यक्तित्व की सत्प्रवृत्तियों का पूजन, और संगतिकरण सीखो, साथ साथ चलना सीखो। संग छद्वम समद्वम सम्भो मनांसी जानताम, हम सब साथ साथ चलें, हम सब एक साथ चलें, एक साथ हमारे मन हों, एक साथ हमारी इच्छाएं हों, एक साथ हमारी वृत्तियां हों। ये सारा नहीं चलेगा तो मित्रों सारा बिखराव हो जाएगा, हमारा देश टूट जाएगा। बहुत बड़ा काम गुरु साहिबान ने जो किया है, जाति पाति को एक कर दिया, तोड़ दिया उन्होंने, सारे जाति पाति के जितने विभिन्न जातियों के लोग थे उन सबको मिला करके उन्होंने एक कर दिया। और उन्होंने कहा जिसने अमृत छक लिया, जो हमारे पास आ गया, और जिसने शिष्य धर्म धारण कर लिया वो सिख हो गया, जो शिष्य धर्म जिसने धारण कर लिया और गुरु को जो मानता है। मित्रों हमारे गायत्री परिवार की मान्यता और सिख धर्म की मान्यता बिल्कुल एक जैसी है, हम भी अपने गुरु की बात को सर्वोपरि मानते हैं, हम भी सर्वोपरि अपने गुरु को मानते हैं, और हमारे गुरु की स्थापित लाल मशाल अकाल पुरुष महाकाल के प्रतीक, ये संगठन की शक्ति के प्रतीक, ये महाकाल ये हमारे देवता हैं। हमारे गुरुदेव सशरीर नहीं है, वंदनीय माता जी सशरीर नहीं है, पर उनके बाद हमारे पास मार्गदर्शन है, उनकी पुस्तकें हैं, उनका सारा सारा ज्ञान है। गुरुग्रंथ साहब जैसे ज्ञान है, ऐसे हमारे गुरु का प्रसाद, हमारे गुरु का साहित्य है, 3200 किताबें उनकी जो लिखी हुई है। यही यज्ञ है, ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना यही यज्ञ है, आदमियों के लिए अच्छे काम करना यही यज्ञ है। मित्रों ये यज्ञ तो 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, पर आपको जीवन यज्ञ करना है, जीवन भर यज्ञ में जीवन जीना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। यही अश्वमेध का संदेश। अश्व जैसे मैंने कहा आपसे कि अश्व जो है उसके बहुत सारे अर्थ हैं, 18 अर्थ हैं, शतपथ ब्राह्मण में 18 अर्थ आए हैं अश्व के। लोगों ने घोड़े से जोड़ दिया, नहीं घोड़ा नहीं, वीर का प्रतीक, अश्व ने शौर्य का प्रतीक, अश्व ने राष्ट्र का प्रतीक, मेध ने बलिदान का प्रतीक, मेध ने प्रतिभा का प्रतीक, मेध ने हमारे देश में प्रतिभाओं की शक्ति बढ़े। आज हमारा भारतवर्ष प्रतिभाओं के बलबूते सारे विश्व को खरीदने की स्थिति में है, आज हमारे भारत की प्रतिभाएं सारे विश्व में जा रही हैं। आप जर्मनी देख लीजिए, जापान देख लीजिए, अमेरिका कनाडा को तो पहले ही हथिया लिया है हम लोगों ने, इसके बाद इंग्लैंड साउथ अफ्रीका और अन्य देशों में सारी की सारी भारतीय प्रतिभा है। अगर एक दिन भारतीय लोग मना कर दें कि हम अपने राष्ट्र के लिए जीना पसंद करते हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए काम करेंगे, भले यहां रहकर काम करें, मित्रों सारे देश का काम ठप पड़ जाएगा केवल भारतीय प्रतिभा के कारण। भारत की प्रतिभा इतनी विलक्षण है और भारत की प्रतिभा के कारण ही हमारा देश इतना ऊंचा उठा है। ये यज्ञ क्या करता है, यज्ञम दधे सरस्वती, ये हमें प्रतिभा देता है, बुद्धि देता है, विलक्षण प्रतिभा विलक्षण बुद्धि। ढेरों इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, ढेरों टेक्निकल कॉलेज खुल रहे हैं, ढेरों लोग आईटी की जॉब कर रहे हैं, ढेरों लोग भारत से बाहर जाकर देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे देश का बैंक है, टैलेंट बैंक, और टैलेंट बैंक और बढ़े ताकि हम सारे विश्व का मार्गदर्शन कर सकें और सारे विश्व को जगतगुरु बना सकें, सारे विश्व का जगतगुरु भारत को बना सकें, सारे विश्व का मार्गदर्शन करने की स्थिति में आ जाएं। गुरु साहिबान की, हमारे परम पूज्य गुरुदेव की, रामकृष्ण परमहंस की, स्वामी विवेकानंद की, जितने भी महापुरुष हुए योगिराज श्री अरविंद, इन सब की भविष्यवाणी, हमारे महर्षि दयानंद आर्य समाज के प्रवर्तक जिन्होंने यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया, इन सब की भविष्यवाणी यह है कि 21वीं सदी में भारत में सतयुग आ जाएगा, भारत के माध्यम से सारे विश्व में सतयुग आ जाएगा, और इस सतयुग को लाने वाले मित्रों आप लोग होंगे। आप जो यहाँ अश्वमेध यज्ञ में भागीदारी कर रहे हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके पास इतना कुछ है कि आप अपनी भावनाओं को उसमें पिरो करके सब कुछ कर सकते हैं। अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि, ये यज्ञ विश्व भुवन की नाभि है, न्यूक्लियस है। इस यज्ञ के माध्यम से सारी की सारी ऊर्जाओं को नीचे खींचा जा सकता है। ये कुंड जो है देव प्रतिमाएं हैं, बृहत सोम का अवतरण होता है इनके माध्यम से, ये जो है इन कुंड के माध्यम से आप सोम का अवतरण करते हैं, सोमरस को खींचते हैं। कुंड को सामान्य मत मानिए, जिसने बनाया वो भी असामान्य, जिसने जो बैठा है उसके सामने वो भी असामान्य, और जो करा रहा है वो भी असामान्य स्तर का महापुरुष। मित्रों ऐसी अवतारी चेतना जब आपसे यज्ञ करा रही है तो आपको यज्ञ करते समय ध्यान रखना है कि आप भोजन करा रहे हैं यज्ञ भगवान को, यज्ञ देव को आप भोजन करा रहे हैं। बस यज्ञ देव को जो आपने भोजन कराया उसके बदले में आपकी ढेरों मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी जितनी भी मन में परेशानियां हैं वो दूर होंगी, और इस क्षेत्र में समृद्धि और आएगी। इस क्षेत्र में समृद्धि के साथ संस्कार आएंगे, सभ्यता और संस्कृति साथ साथ नहीं आते हैं तो सभ्यता अकेली बहुत बड़े अभिशाप देती है, और संस्कृति और सभ्यता यदि साथ साथ आएंगे तो जीवन में ढेरों वरदान आपके आएंगे। आज हमने यज्ञ की शुरुआत की है, यज्ञ का शुभारंभ किया है, कल कलश यात्रा से किया था, आज देव पूजन से हो रहा है, देवताओं का पूजन।
देवताओं का पूजन, देवी देवता कहाँ है? आपके अंदर है। आप जब भी देव पूजन में नाम आए, इन देवता के नाम पे पुष्प रखिए, आप ये मान करके चलना कि आपके अंदर के देवी देवता पुष्ट हो रहे हैं। यदि हमारे अंदर के 33 देवता पुष्ट हो गए, उनको शक्ति मिल गई, तो आप ये मान करके चलिए सभी देवी देवता जो बाहर हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का आपके ऊपर एक प्रकार से वर्षा होगी। सूर्य हमारा आराध्य, इस अश्वमेध का आराध्य देवता कौन है? सूर्य। सुंदर प्रेरणाएं देने के कारण सूर्य। सुवति प्रेरियते कर्मणि लोकम इति सूर्यः, सतत कर्म करते रहने की प्रेरणा देता है, उसको सूर्य कहते हैं। और सूर्य क्या करता है? प्रसविता सविता, सविता प्रसविता, जो प्रसव करने के कारण, प्रसव यानी लेबर, लेबर यानी बच्चे को पैदा करना, जैसे माँ बच्चे को जन्म देती है, ऐसे सविता देवता भगवान हमारी सृष्टि को जन्म देते हैं। मित्रों, हमारी जन्म के पीछे, हमारी सृष्टि के जन्म के पीछे, इस पृथ्वी के जन्म के पीछे सविता देवता है। इन सविता देवता को आहुति दी जा रही है। इन सविता देवता की आहुति के माध्यम से हमारे ऊपर ऐसी ब्रह्मांडी किरणों की वर्षा हो, नुकसानदायी नहीं। अल्ट्रावायलेट किरणें, कॉस्मिक किरणें, ढेर बीमारियां उन्हीं की वजह से फैल रही हैं, स्किन कैंसर उसी की वजह से बढ़ा है। ब्रह्मांड से वो किरणें आए कि ओजोन की परत जो हमारी है वो बंद हो जाए इस यज्ञ के माध्यम से, और ब्रह्मांड से वो वर्षा हो कि हमारे ऊपर श्रेष्ठ अनुदान बरसे, भगवान की ऊर्जा बरसे। इस अश्वमेध के माध्यम से आप पुण्य को प्राप्त हो, आपके पुण्य बढ़े, आपके पूर्व जन्म के जो कुसंस्कार हैं वो कटें। इस यज्ञ में भाग लेने वाला इतना सौभाग्यशाली होता है, भले ही आहुति आप दे पाए नहीं दे पाए, स्वयं सेवक की तरह से अगर आपने इसकी मिट्टी में कुछ काम भी कर लिया, अगर आपने इस भूमि में थोड़ी देर रमण भी कर लिया, बहुत बड़ा पुण्य का काम आपसे बनेंगे। आज भी, कल भी, परसों भी, तीनों दिन यज्ञ चलेंगे और आप देखेंगे शाम को ज्ञान यज्ञ होगा। आप 3 दिन के अंदर देखेंगे कि वातावरण बदल गया है, चारों तरफ यज्ञीय जीवन जीने का एक उत्साह मन में आ रहा है। अश्वमेध इसी उद्देश्य के लिए किए जाते थे, सांस्कृतिक दिग्विजय के लिए किए जाते थे, राष्ट्र दिग्विजय के लिए नहीं, अपनी भूमि को बढ़ाने के लिए नहीं, भूमि की परिधि को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दिग्विजय, हमारी देव संस्कृति चारों तरफ फैले, हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारी भारतीय संस्कृति की जितनी स्थापना है वो बढ़े। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हमने जो की है वो चारों तरफ विकसित होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। सारे विश्व में इसकी स्थापना शाखाओं के रूप में होने जा रही है अगले दिनों। चार साल का बच्चा है, मतलब 4 साल के अंदर जो इसकी स्थापना है बड़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये देव संस्कृति दिग्विजय है। देव संस्कृति दिग्विजय का अभियान का 33वां पुष्प आपके चरणों में समर्पित है, हमारे गुरु सत्ता आराध्य की सत्ता के चरणों में समर्पित है। आप इसके भागीदार बन रहे हैं, आपको इस सौभाग्य के लिए बार बार बधाई देने का मन करता है कि आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। जब यज्ञ की अग्नि आएगी अंदर, यज्ञाश्व आएंगे, तो यज्ञाश्व के साथ और ध्वजारोहण के साथ आप देखेंगे कि सतत आपके ऊपर 3 दिन तक भगवान की किरणों की वर्षा बराबर होती रहेगी, अनुदानों की वर्षा होती रहेगी, और देखते देखते ऐसा माहौल बदल जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा पंजाब क्षेत्र में, पूरे पश्चिमोत्तर भारत में लगा हुआ राजस्थान, लगा हुआ हरियाणा, लगा हुआ हिमाचल, लगा हुआ जम्मू, आतंकवाद की लहर कम होगी, धीरे धीरे आतंकवादी समाप्त होंगे और हमारे देश की एकता, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर के फिर एक होंगे और जो आततायी सत्ताएं हैं समाप्त होंगी और जितनी भी अनाचारी दुराचारी सत्ताएं समाप्त होकर के राष्ट्र हमारा एक और अखंड बनेगा। और एक इतना 2011-2012 तक, गुरुदेव की जन्म शताब्दी तक, इतना बढ़िया वातावरण बन जाएगा कि आप देखते रह जाएंगे। आइए ऐसे अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। अब आचार्य वर्ण का क्रम समाप्त हुआ, इसके पश्चात यज्ञ की घोषणा के साथ शुभारंभ होता है। घोषणा आप सबके सामने की जाती है और इस घोषणा के माध्यम से हम यज्ञ को एक टेंटेटिवली औपचारिक रूप से शुरू हुआ मानते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे देव पूजन का क्रम चलेगा और आज ही यज्ञ होगा और लोग होंगे तो और भी दूसरी पारी में भी यज्ञ होगा। इस तरह से यज्ञ का क्रम चलता रहेगा। सबसे पहले इसकी औपचारिक रूप से घोषणा, आपकी जीजी हमारे बीच में आई हैं, लुधियाना नगर में पहली बार आई हैं, मैं कई बार आ चुका हूँ, जीजी के माध्यम से घोषणा होने जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को साक्षी मान करके वो क्या कहने जा रही हैं उनकी बात को सुने। संक्षेप में घोषणा है जिसको पढ़ के सुनाएंगी और उसके पश्चात हमारे जो उद्गाता बंधु हैं वो उसका स्वागत करेंगे उस घोषणा का। आप सबको भी ताली बजा के उसका घोषणा का स्वागत करना है घोषणा के समापन के पश्चात। जिस कैंपस में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, वर्धमान मिल के, उस वर्धमान मिल के फैक्ट्री ने भी हमारा स्वागत किया है इस यज्ञ की घोषणा का। देखिए वहीं से भी स्वागत हो गया, शुरुआत वहीं से होगी। ये महज संयोग ही नहीं है,
सुनियोजित है, सुनिश्चित है, संयोग वैसे ही बैठता है। राष्ट्रम वा अश्वमेध, वीर्यम वा अश्व, आस्था संकट की बेला में जब चारों ओर अशांति छा जाती है, तरह तरह के सामाजिक विग्रह पनपने लगते हैं एवं क्षुद्ध प्रकृति अपने नाराजगी, मौसम के असंतुलन एवं आदि व्याधियों की बाढ़ के रूप में दिखाती है, तो भारतीय ऋषि अश्वमेधिक प्रयोगों को करने का निर्देश देते हैं। इनमें वैज्ञानिकता का समावेश है ताकि दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदले एवं विश्व विनाश से रुके। भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति को विश्व संस्कृति का गौरवमय रूप देने वाले युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य एवं शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी शर्मा ने इन अश्वमेधिक यज्ञानुष्ठानों के रूप में नूतन विधा को जन जन के सम्मुख रखा। हमारा विश्वास है कि पश्चिमोत्तर भारत के इस क्षेत्र में इस आयोजन से वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागेगी और भारतीय संस्कृति पुनः विश्व संस्कृति बनेगी। इसी मंगल कामना के साथ अपने इष्ट आराध्य परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को साक्षी मानकर आज अश्विन शुक्ल चतुर्दशी शुक्रवार तदनुसार 6 अक्टूबर 2006 को पंजाब के प्रथम, भारत के 26वें तथा समग्र श्रृंखला के 33वें इस लुधियाना अश्वमेध को संपन्न किया जा रहा है। जगन माता आदि शक्ति गायत्री हमें इस अनुष्ठान को संपन्न करने की शक्ति एवं संरक्षण प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं शैलवाला पंड्या सभी ऋत्विक गणों, अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं स्थानीय गायत्री परिवार समूह की ओर से इस महायज्ञ के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। यज्ञ की घोषणा